ये देखिए सर, यहाँ पर है बरिस्ता। शाबाश, लेग टूट गया है, इसका मतलब चिकन पूरा बन गया है। देखिए कितना खूबसूरत सा एक फ्रेम है, जिसमें माता पिता और बेटा एक साथ बिरयानी को प्रिपेयर कर रहा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मेहनत से। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज आप लोग देखने वाले हो साउथ कोलकाता का सबसे फेमस स्ट्रीट बिरयानी काउंटर शोमरदा। शोमरदा का पूरा बिरयानी कुकिंग प्रोसेस आज हमने दिखाने वाले हैं, वन बाय वन पूरा स्टेप दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। कैसे प्रिपेयर होता है चिकन और मटन दोनों एक साथ। साइड में छोटा सा एक जगह है, पूरा जो काम होता है वो एकदम लकड़ी में होता है। शोमरदा जो कुकिंग कर रहा है, हेल्पिंग हैंड है उनका अर्धांगिनी भाभी जी। सकाले কটায় ওঠো? আমি 6টায় উঠি। প্রথমে কি কি করো? প্রথমে আলু ধুই, মাল বের করি, ওনা বাইতে করে নিয়ে আসি। এসে তারপর এখানে মাল্লা ভাই, তারপর ছেলে সব জল ফল নিয়ে আসে, চাল ফল নিয়ে আসে, ছেলেও আসছে। তো কিতনা কিলো আলু হে ইদার দাদা টোটাল? ইদার মে 22 কেজি আলু। কিতনা টাইম লাগা দাদা পুরা আলু হোনে? মোটামুটি 25 মিনিট করি। ইয়ে আপনা লেগ পিস, ওকে শাবাশ। লেগ পিস फाइव पीस। तो एक चिकन का कितना पीस आता है इसमें? एक चिकन में होता है 12 पीस। चलिए, लगभग 2 केजी करीब होगा। अच्छा, और लगभग कितना किलो चिकन होगा दादा? ये चिकन है हमारा अभी 7-8 केजी, लेकिन मटन रहता है ज़्यादा। अच्छा, और मटन कितने किलो आएगा दादा? मटन लगभग आएगा आपका वही 13 केजी। फ्रेग्रेंस बहुत ही बढ़िया आ रहा है इसमें। क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला गया मसाला में? इसमें मसाला में नमक डाला गया है, मिर्ची डाला गया है और जफरन। जफरन बस। मटन आएगा तो फिर दूसरा मतलब चीज डाला जाएगा। हमार प्रथम का जो चाहिए, हमें वही बड़ी देखे सब कुछ जिनिसपत्र बार करे निए एक किचने आना, किचन जगह रेडी करे निए जल फल तोला का, तारपर एरपर बाजारे जाबो। বাজার থেকে আসার পরে দম ফমে রেডি করতে হবে যেগুলো, সেইগুলো বাবার হাতে হাতে করি। কিচেনে যাবতীয় যা হাতের সামনে রাখা থাকে, এই যে মশলাপাতি রাখা আছে, এখানে লেবু আছে, বেরেস্তা রাখা আছে, গোলাপ আছে, আতর জল আছে, কেওড়া জল আছে, এখানে মাটন রাখা আছে, আর এখানে দোকানের যাবতীয় যা জিনিসপত্র সব এখানটায় আছে আমাদের। দাদা এই কী দাদা? জিঞ্জার হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আদ্রক লেহসুন কা পেস্ট। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो डायरेक्टली बिरयानी में नहीं डाला जाता है, कम से कम 1.5 लीटर पानी इसमें डाला गया। अब इसको निचोड़ा जा रहा है और अच्छे से निचोड़ा जा रहा है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है अंदर का जो जूस है वो निकल गया। ये मेरा जो हंडी है इसमें 17 केजी चावल जाता है, 18 केजी 19 केजी मांसू चला जाता है। मोटा मोटी इसमें अभी जो बन रहा है मेरा 100-110 प्लेट फुल, मतलब 200-220 प्लेट हाफ। टालीगंज सोबुस संघ क्लब, इस क्लब के एकदम कोने में शोमरदा को एक जगह मिला है। करीब 23 साल से यहाँ पर कुकिंग हो रहा है। लेग टूट गया है, इसका मतलब चिकन पूरा बन गया है। मटन को एक बार दिखाते हैं आप सबको, मटन एक पीस उठा के दिखाओ। तो ये है मटन का कुछ ऐसा है पीस, सही है रिया जी, मटन है। तो अभी पूरा जो मटन है वो डाला जा रहा है। चलिए पूरा दादा, कितने किलो मटन होगा? 11 केजी। कितना? 11 केजी। 11 केजी मटन है पूरा डाला गया। तो 11 केजी में कितना पीस आता है? 10 केजी में 130 है, लगभग 150। चलिए अभी है पूरा जो जो जूस है अदरक और लहसुन का, वो पूरा का पूरा डाला जा रहा है। भाई साहब, लकड़ी में जब खाना पकाओगे ना आप, तो एक तो अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसके एक प्रॉब्लम भी है, आँखों में उसका जो एक ये है जलता है बहुत। तो शूट कर रहे हैं, बहुत आंखें जल रहा है और हम क्या आंखें बंद करके शूट कर रहे हैं। तो दादा को तो आदत हो चुका होगा इसका, लेकिन हमको उतना आदत नहीं है। अभी इसमें क्या जाएगा दादा, एक एक करके बताइए। ये मिर्चा पाउडर जाएगा अभी। अभी ये मिर्चा पाउडर? हाँ। कश्मीरी लाल मिर्च? कश्मीरी लाल मिर्च।
चलिए। और ये क्या है दादा? चीनी। चीनी अब इसमें जाएगा, खट्टा दही आएगा, उसके बाद इसमें डाला जाएगा। थोड़ा का ढेके दो। चलिए अभी चीनी डाला गया, देख कलर कितना खिल रहा है धीरे 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 धीरे। আমি যখন স্কুল দিয়ে আসতাম তখন দেখতাম আমার বাবারা এখানে রান্না করতো উনুন সালাতে, তখন বাবা আমাকে বলতো যে পড়াশোনা করো পড়াশোনা করো। এজটা যখন বোঝার এজে যে পড়াশোনা তো করবো, এখনকার কাজের বাজার খুব একটা ভালো না, নিজের ব্যবসাটা সামলাবো বাবার সঙ্গে হাত দিয়ে। মোটামুটি যা শিখে গেছি এখন আমি আমার নিজের মতো তৈরি করে নিতে পারবো। কামকাজ ইতনা পানি হ্যাঁ ও ইয়াহা পর রাখা জাতা হ্যায় কিউকি आपको यहाँ पर पानी कहाँ पर मिलेगा, तो पानी जो है भर के लेकर आते हैं, यहाँ पर रखा जाता है पहले से ही भिगाया हुआ चावल, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छे से वाश किया हुआ है या वाश करेगा अभी? वाश होगी। ये है चावल। और ये कितना टाइम पहले ये भिगाया गया? दो अढ़ाई घंटे। बिरयानी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है सुबह से लेकर? चार घंटा साढ़े चार घंटा। देखिए सर ये तो समझ में आ गया कि दूसरा स्ट्रीट बिरयानी काउंटर से समरदा का बिरयानी डिफरेंस क्यों है, तो पहला रीज़न ये है कि वो चिकन फ्राई नहीं करते हैं। आप दूसरा किसी भी कोलकाता स्ट्रीट बिरयानी काउंटर में जाओगे, कुकिंग प्रोसेस देखोगे, वो सुबह सुबह चिकन को फ्राई करके रख देता है और मटन का जो यखनी प्रिपेयर होता है उसमें उसको डाल के ना उसके ऊपर मसाला मार के बिरयानी को प्रिपेयर करते हैं। वो चिकन को प्रॉपरली जैसे मटन को यू नो बॉईल किया जाता है वैसे प्रॉपरली चिकन को भी बॉईल करते हैं, देन उसको बिरयानी में डाला जाता है। अपना 10 लाख में तो ना चिकन चाप हुआ ना दीदी भाई। सुबह के करीब 10 बज रहा है, बिरयानी रेडी हो रहा है, लेकिन ऑर्डर जो है फोन पे सर आ रहे हैं, किसी का 10 पैकेट किसी का 20 पैकेट ऐसे ही करके ऑर्डर आ रहे हैं। और भैया जो है बोल रहे हैं कि आफ्टर 1 PM आप लोग आइए, आपका ऑर्डर रेडी रहेगा। देखिए कितना खूबसूरती से नींबू का जो रस है जूस है वो निकाला जा रहा है, पहले निचोड़ते हैं उसके बाद उसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके फिर एक एक करके उसको निकालते हैं। दादा ये आप कहाँ से सीखे हो, अपने आप ही? मशीन से उतना अच्छा होता नहीं है, और हाथ से करने से पूरा इसको निचाड़ा जाता है, और उल्टा करके रखने से फायदा है कि तीतापन नहीं आता है। मावा है और दही है, सो अभी दही इसमें डाला जाएगा, ये दही जाएगा बिरयानी का मसाला। ये तो घर में पीसा हुआ है ना? ये अपना बनाया हुआ, ये है केवड़ा पानी है और गुलाब पानी है, ये है मीठा अतर, वाते नींबू का जूस जलाया जाएगा, इसके ऊपर से फिर ग्रेवी डाला जाएगा। तो ये है नींबू का जूस जी। तो अभी मावा और घी मिला के इसको प्रिपेयर किया जा रहा है ना, ये दादा राइस में जाएगा ना? ये राइस में जाएगा। करीब 2 घंटा बाद चावल से पानी निकाला जा रहा है और ये डायरेक्टली जाएगा उधर हांडी में गर्म पानी में। ये जो है अभी मांसों का चावल, कलर देखिए, इसे स्ट्रक्चर देखिए, खूबसूरत लग रहा है बहुत। अभी डाला जाएगा चावल। तो दादा चावल कितना किलो? चावल अभी 17 किलो चावल। तो मैं यही चीज़ एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो काम है कोई भारे का कारीगर का काम नहीं है, ये पूरा फैमिली मिल के अपना बिरयानी बनाते हैं सबको खिलाने के लिए। सोमरदा उनके धर्म पत्नी और उनके बेटा, इसमें प्यार है मोहब्बत है इमोशन है सब कुछ है। समरदा मेनली बिरयानी बनाते हैं और उनका बेटा उनकी बीबी को हेल्प करते हैं। तो चावल तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना दादा?
क्योंकि गर्म पानी है जी, और ये भिगो के रखा हुआ था बहुत देर। चावल होता है चावल उधर उठाएगा गर्म वाटर में। अच्छा, एक संग हो जाएगा दोनों। तैयारी चल रहा है चावल को निकालने का। इधर में थोड़ा सा मटन का खुशबू ले लीजिए। तो दादा ने बोला कि मटन का खुशबू ले लीजिए। वाओ, अरे गजब का एक फ्रेग्रेंस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला, बहुत ही गजब। तो सर मटन जो है करीब करीब बनके तैयार है ना दादा? ना, अभी थोड़ा सा बाकी है। और थोड़ा सा बाकी है। तो घर में भाभी जी जो है वो प्याज खीरा सब रेडी करके लिए है, और दोपहर के खाना के लिए भाभी जी कुक कर रहे हैं ना। दोपहर का खाना देखिए, मछली वछली वगैरह सब कुक कर रहे हैं। दुकान में जाने से पहले खाना खा के सब लोग निकलेंगे। तो सर चावल जो है वो बन के तैयार। तो अभी मटन भी करीब करीब बन के तैयार, तो वही चेक करेंगे। तो सर देखिए ये है मटन, मटन निकाला जा रहा है। एक बार दिखाइए आराम से। ये है सर टोटल मटन। शाबाश। सोमर तो यहाँ पर मटन निकाल रहे हैं और उनका बेटा यहाँ पर चावल निकाल रहा है। इट्स अ टीम वर्क। और भाभी जी घर में सलाद रेडी करके खाना पका रही हैं कि ये दम पे जाने के बाद सब लोग खाना खा के दुकान में जाएगा। चावल है यहाँ पर, चावल रेडी हो रहा है। यहाँ पर देखिए मटन बन के है तैयार। ये है यखनी, यहाँ पर है मटन, यहाँ पर है लेमन जूस और उसके साथ मसाला, यहाँ पर है आलू और यहाँ पर है चिकन। यखनी जो है मसाला वाला जो आपका प्रिपरेशन था उसमें डाला जा रहा है। तो सर देखिए पूरा यखनी यहाँ से निकाला गया और इसमें डाला गया। इसमें तो आप देख ही चुके हो, लेमन वगैरह सब कुछ डाल के, मसाला डाल के, घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला डाल के प्रिपेयर किया गया था। साफ़ सफाई हो गई एकदम तैयार। अभी सजावट के लिए रेडी है हांडी। पहले सजाया जाएगा मटन। पूरा एकदम अच्छे से इसको बिछाया गया वन बाई वन। तो अभी टोटल आलू डाला जाएगा। तो पूरा आलू इसके अंदर डाला गया। मटन का भी 11 किलो ना दादा मटन, और आलू 22 किलो। आलू चिकन है अभी 18-19 के लिए, 21 के लिए आलू। यहाँ पर आपका मावा और जो घी है उसको एक साथ करके पिघला जा रहा है ना, उसको मेल्ट किया जा रहा है। ये आ गया हमारे बिरयानी का यखनी जो पूरा का पूरा डाला गया। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया एसेंस और बिरयानी मसाला का जो एक बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रेग्रेंस फ्लेवर है वो निकला है, और बहुत ही एकदम खूबसूरत दिखने को लग रहा है। और यू नो एक माउथ वाटरिंग जो खुशबू है वो निकला है, और मेरे मुंह में ढेर सारे पानी आ रहे हैं, बोलते बोलते मैं रुक जा रहा हूँ इसके कारण। अभी देखिए बरिस्ता जो है वो डाला जाएगा।
धीरे धीरे बरिस्ता डाला जा रहा है। दादा बरिस्ता तो बिरयानी के ऊपर भी जाएगा, चावल के ऊपर? नहीं, चावल के ऊपर। चलिए, सो करीब सुबह 6 बजे से जो काम स्टार्ट हुआ है तो अभी वो उसका ख़त्म होने का टाइम आ गया। चलिए पूरा का पूरा चावल इसमें डाला जा रहा है। ये बहुत ही यू नो एक ध्यान से बनाने वाला चीज़ है, खाना है। थोड़ा ना इधर उधर हो जाएगा तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। मावा को पूरा क्रश कर दिए हाथों से। चलिए सही है, एक बार हाथ से उठा के दिखाओ मावा को। इसको अभी छिड़का जा रहा है। मावा छिड़कने के बाद फिर से चावल डाला जाएगा, है ना? फिर ऊपर दूध जाएगा। फिर ऊपर दूध। अच्छा, तो दादा का एक अलग ही अपना स्टाइल है, क्योंकि पहले भी हम काफ़ी बिरयानी के वीडियो बना के रखे हैं और हम भी खुद बिरयानी घर पे बनाते हैं। उसमें बहुत ही अलग तरीके से बनाए सब, और हम भी, हमारा स्टाइल भी अलग है और दादा का तरीका भी बहुत ही अलग है। चावल को चेक किया जा रहा है सही से पका हुआ है नहीं। बढ़िया, और ये है अपना काजू। और अच्छा, एकदम ऊपर में टिपिकल जो अपना पुराने कलकत्ता का बिरयानी का जो स्टाइल है, वो उबला हुआ चिकन वो ऊपर में डाला जाता है, वो ही किया जाएगा। ऊपर में देखिए चिकन डाला जा रहा है, वो भी एक एक साइड में। दादा एक साइड चले, ओ क्योंकि निकालने में आसानी होगा, है ना? ये एक कपड़ा जो है उसको भिगो के लेकर आए और शायद कुछ होगा। अच्छा, वो दम पे देने के लिए, दम पे देने के लिए इसको भिगो के लेकर आया। और अब कहीं पर, अब ज़्यादातर जगह देखे हो कि आटों के एक मिक्सचर से ये चीज़ किया जाता है, लेकिन समरदा का यहाँ पर भीगा हुआ कापर से इसको ऐसे करके, देखिए कारीगरी देखिए, ऐसे करके इसको दिया जा रहा है। अब ये ऐसे ही दम पे जाएगा क्या? घी नहीं जाएगा, मावार घी? दम देने के बाद? चलिए, तो अभी देखो बिरयानी को दम पे डाला जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी बेटा दूर से देख के बोल रहा है कि स्केलिंग ठीक ठाक हुआ है नहीं, तो इसमें बैलेंस का भी काफ़ी अहमियत है। बैलेंस पे रखा जा रहा है इसको, सही से अच्छे से इसका बैलेंस किया जा रहा है। चलिए हो गया दादा, अभी आधा घंटा के लिए दम पे रहेगा। तो फिर से यहाँ पर लकड़ी डाला जा रहा है इसको दम पे रखने के लिए। हम लोग दादा बोधी का जब वीडियो बनाए थे तो उसमें उसमें क्या था, उसमें आपका पूरा कोयले में कुकिंग किया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा लकड़ी में कुकिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। और ख़ास बात यह है कि कोयले का जो बिरयानी है उसका खुशबू जितना बेहतरीन होता है, उससे बढ़िया खुशबू जो निकालते हैं वो लकड़ी से। हाँ जनाब, तो चलिए वीडियो के एकदम एंड में हम लोग पहुँच गए, तो थोड़ा सा ही बाकी है। थोड़ा देखिए फिर से इसको जलाया जा रहा है। तो काफ़ी महीनों से मेरा सौमरदा के साथ बातचीत होता रहा कि एक दिन आके हम लोग बनाएंगे वीडियो, पूरा कुकिंग प्रोसेस सबके लिए दिखाएंगे, कैसे बनता है, कैसे मैजिक होता है, कौन सा जगह में ये मैजिक क्रिएट होता है, बिरयानी का मैजिक। वो आज हमको लगा कि सबने देखा,
बहुत मज़ा सबने लूटा, हम भी बहुत मज़ा लिए, इसको देख के बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखने लायक था। और किया है बेहतरीन एक कुकिंग आज कंप्लीट हुआ है, और एक किचन के वीडियो लेकर हम तुरंत आएंगे, पूरा कुकिंग दिखाएंगे। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया कुकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पेज को लाइक करना पड़ेगा। चलिए टाटा बाय बाय, आज का कुकिंग जो है यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो समरदा कुछ बोलेंगे आप? जी नहीं, एकदम परफेक्ट जो है सो सही आपने बनाया है, सही तरीके से दिखाया आपको हम। अब इस तरीके को देख के आपको समझ में आता है कि कितना मेहनत है इसमें, मेहनत करके बनाने से सब कुछ अच्छा होता है। और एक बात भाई, एक बात, काफ़ी लोग ब्लॉगर लोग आके तंग करते हैं, तो आज तुम आप लोगों को ऐसा लगा कि हमने तंग किया आप लोगों को? नहीं नहीं, नहीं। एकदम ही तंग नहीं किया ना? एकदम नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो सर बस क्या है, आप लोग ब्लॉगिंग करो, कुकिंग करो, सब कुछ करो, बस तंग मत करो, ठीक है? विथ परमिशन आओ, आके किसी कुछ कम से कम तब जाके वीडियो बनाना चाहिए। एकदम एकदम सर। चलिए टाटा बाय बाय, जय वेलकम।